जी बताइए। मैडम जी, मेरे पापा की ना पिछले 2 महीने से ना पेंशन नहीं आई हुई है, और मैं डेली कॉल करता हूँ तो कोई जवाब नहीं मिलता। अभी नए मैनेजर आने वाले हैं, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। मैम, और कितना टाइम लगेगा? बस अभी 1 महीना और लगेगा। मैडम, पेंशन आने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो, आपको अच्छे से पता है कि सरकारी काम है, इन सब में टाइम लगता ही है, और अगर आपको जल्दी करवाना है तो मेरे पास एक रास्ता हो रहा है। कौन सा रास्ता मैम? बस यही कि थोड़े पैसे लेंगे। मैडम, आप मुझसे रिश्वत मांग रही हो? यकीन मानिए, ये सारे पैसे आपके काम में लेंगे, मेरी जेब में एक रुपया भी नहीं आएगा। तो मैडम, कितना रुपया लगेगा? लगभग यही कुछ 10,000। 10,000 रुपए? मैडम, ये पैसे तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगा? देख लीजिए, मैं आपके काम के लिए इधर उधर जाऊंगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, तो इतना तो लगेगा ना। ठीक है मैडम, मैं पैसे लेकर आता हूँ, पर मैडम कृपया करके ना मेरा काम करा दीजिएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बस आप पैसे लेके आइए। ठीक है मैडम। मैम, ये 10,000 रुपए। ठीक है, आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है मैडम। मैडम जी, आपने तो कहा था कि मेरे पापा की पेंशन जल्दी आ जाएगी, पर अभी तक आई नहीं। अच्छा, वो आप आ गए, मैं आप ही का काम करा रही थी, लगभग हो ही गया, बस 5,000 रुपए और लगेंगे। 5,000 रुपए? पर क्यों मैडम जी? अरे, इतने पैसे तो लगते ही हैं, अब बड़े बड़े अफसर होते हैं, उन लोगों पे तो खर्चा पानी देना होता है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मैडम जी, मेरे पापा की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तभी तो मैं इतने चक्कर काट रहा हूँ, और मुझे ना पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मैडम जी, आप मेरा काम करा दीजिए। देखिए, अब इसके अलावा तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, और आप देख लीजिए कि आपको पैसे चाहिए या फिर नहीं। मैडम जी, मुझे चाहिए पेंशन, मैं पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, फिर आप पैसे ले आइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है मैडम जी। मैम, ये 5,000 रुपये। मैडम जी, मैं इतने दिन से ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, पर मेरे पिताजी की पेंशन अभी तक क्यों नहीं आई? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और अगर इसमें टाइम लग रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कोशिश कर रहे हो? आप इसे कोशिश बोलते हो? आप रहने दीजिए मैडम, आप एक काम कीजिए, जो मैंने आपको पैसे दिए ना, वो मेरे पैसे आप वापिस कीजिए। पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे मैडम? वही पैसे जो मेरे से आपने 15,000 रुपए लिए हैं। अच्छा, वो 15,000 रुपए? वो 15,000 रुपए तो मैंने आपके काम में खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? मैडम, ऐसे कैसे खर्च कर दिए? आपने तो मेरा काम करवाया भी नहीं। मैडम, आप में ना मेरे पैसे वापस कर दीजिए, वरना ना मैं कंप्लेंट कर दूंगा। ऐसा है, तेरा ना बहुत हो रहा है, और रही बात पेंशन की, तो तेरे पापा की पेंशन ना मेरे पास है, और जो आगे भी पेंशन आएगी ना वो भी मैं रुकवा दूंगी, फिर देखती हूँ कि तू क्या करता है। मैडम जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा, अब देखता जा कि मैं क्या क्या करती हूँ। हेलो, हाँ, सिक्योरिटी के ऊपर भेजो। मैडम जी, आप ना गलत कर रही हो मेरे साथ। इस आदमी को ना मेरे ऑफिस से अभी के अभी बाहर निकालो। सुनाई नहीं दे रहा कि तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? इस आदमी को बाहर निकालो। वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मेरी सुनेगा। क्यों, तुम्हारी क्यों सुनेगा? कौन हो तुम? क्योंकि मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ, शिवम शर्मा। मासूम लोगों से पैसे लेती हो और उन्हें बेवकूफ बनाती हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? पता नहीं कितने लोगों के साथ में तुमने ये सब किया होगा, और तुम्हारी कितनी कंप्लेंट आ रही होगी। इसलिए ना मैंने ज्वाइनिंग करने से पहले ना ये सब नाटक किया, ताकि तुम्हारी करतूत मैं अपनी आंखों से देख पाऊँ। और जो तुम गलती कह रही हो ना, वो गलती नहीं है, वो ना क्राइम है, क्राइम। तुम अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज सर। नहीं, अब तुम्हें ना कोई मौका नहीं मिलेगा। सर सर, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। बस, अब कुछ नहीं सुनना। आई सेड गेट आउट।